हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के नई और कमाल की वीडियो में। टाइम टाइम पर मैं आप सभी के लिए एक से बढ़ के गैजेट लेके आता रहता हूँ। और कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर हमने एक स्पाई कैमरा के बारे में बात करी थी, और वो था हमारे पास में एक LED बल्ब कैमरा। वहाँ पर आपको मैंने 360 डिग्री जो एंगल होता है एक ही कैमरा से कवर करके दिखाया था, जो एक ही कैमरा यहाँ पे अलग अलग लोकेशन को ट्रैक कर पा रहा था, उनको रिकॉर्ड कर पा रहा था, और साथ ही में मैं पूरे कैमरे को मोबाइल से मैनेज भी कर पा रहा था। तो ये सब तो हमने देख लिया था मेरी पुरानी वाली वीडियो के अंदर, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक मैग्नेटिक कैमरा के बारे में। और ये कैमरा ऐसा है जिसका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा है और आप जहां पर चाहे लगा सकते हैं, और ये वहां की जो नाइट विजन कैमरा है उसकी तरह भी काम करेगा। रात की जो वीडियोज होंगी वो भी काफी क्लियरली रिकॉर्ड कर लेता है। कंप्लीट चेकअप करने वाले हैं कैसे ये काम करता है, कैसे जो वीडियो क्वालिटी है वो हमें देखने को मिलती है, बैटरी बैकअप वगैरह क्या रहता है, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर मिलने वाला है एक कंप्लीट सेटअप के साथ में। तो ये जो मैग्नेटिक कैमरा है इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूं। जहां पर आपके पास मेटल का एक्सेस है वहां पर आप इसको डायरेक्टली चिपका सकते हैं उस जगह पर, वहां के आसपास आपको कंप्लीट ये वीडियो रिकॉर्ड करके दे देगा आवाज के साथ में। साथ में इसको मोबाइल से आप मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर आपके पास लगता है कि ये अच्छे से मेटल में नहीं लग सकता, तो यहां पे स्टिकर दिया गया है, आप जहां पर चाहे इसको लगा सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां पे कैमरा लगा हुआ है। तो काफी इंटरेस्टिंग सा गैजेट है दोस्तों। ये हमको भेजा है meragadget.com ने, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो वेबसाइट है वहां पर आपको एक से बढ़कर एक सिक्योरिटी को लेके कैमराज और बहुत सारे गैजेट्स है वो मिलते ही रहते, अपडेट होते रहते विद इन 7 डेज। तो आप इनकी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका जो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल का टाइम बिना टाइम वेस्ट किस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अनबॉक्सिंग और उसके बाद करते हैं कंप्लीट रिव्यू कि ये कैमरा औरों से अच्छा क्यों है। तो दोस्तों ये है वो मिनी मैग्नेटिक कैमरा जहां पर ऊपर यहाँ पे टोकार की ब्रांडिंग है, और साथ में हमें यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन देखने को मिलता है 1080p का, और यहाँ पे नाइट विजन फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आप इसको मोबाइल के अंदर ही मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मार्केटेड बाई meragadget.com है जहां से आप इसको बाय कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करते हैं नीचे की तरफ, तो एक बार कोड दिया गया है जहां पे दिखाया गया है कि आपके पास 360 डिग्री के अंदर कहीं पर भी घूम जाता है स्टैंड के साथ में, और यहाँ पर एक बारकोड है। और पीछे की तरफ बात करते हैं तो सेम वही चीजें लिखी हुई है जो हमें पहले देखने को मिली थी, बस यहाँ पे फॉर आउटडोर यूज एक नई चीज हमें देखने को मिल गई है। और सेम पीछे की तरफ बाकी बॉक्स के ऊपर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है। सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक सिंपल सा टैपिंग दिया गया है, मैं इसको बिल्कुल अलग कर देता हूँ। इसको अलग करने के बाद में जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास अंदर एक और बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पे मेरा गैजेट की ब्रांडिंग है। इसको फिलहाल मैं जो ऊपर वाला बॉक्स इसको साइड में करता हूँ, और ये आप देखेंगे काफ़ी यूनिक सा जो बॉक्स है ये दिया गया है, और इसका जो क्वालिटी है बॉक्स का वो भी काफ़ी अमेजिंग है, फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं बॉक्स को ओपन करता हूँ तो हम देखते हैं क्या देखने को मिलता है। वैसे मैं काफ़ी एक्साइटेड इस बॉक्स को खोलने के लिए भी, कुछ इसका जो मैंने रिव्यू देखा था तो सीरियसली वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा कैमरा, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद में बॉक्स के अंदर और क्या क्या देखने को मिलता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक थर्माकोल का केसिंग था ताकि हमारा जो कैमरा है वो सेफ रहे, इसको मैं साइड में निकाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है, और इस बॉक्स कंपार्टमेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है ये छोटा सा स्टैंड, और ये जो स्टैंड है दिखने में छोटा है वैसे पावरफुल बहुत ज़्यादा है। अब जैसे चाहे इसको वहाँ पर चिपका सकते हैं दीवार पर या फिर किसी मेटल की चीज़ पर, डबल साइड टेप के आपके साथ ये देखने को मिल जाता है ताकि ये उस जगह पर भी चिपक जाए, और जहाँ पर आप कैमरा लगाना चाहते हैं उधर भी ये लग जाए। इसको हम साइड में रखते हैं, और हमें क्या देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलती है एक डाटा केबल जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं, USB to Micro USB आपको देखने को मिलता है जिससे आप इसको बहुत ही इजीली चार्ज कर सकते हैं। हमें एक केबल और भी देखने को मिलती है, ये जो केबल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, और उसका रीज़न ये है कि आप जो आपके कैमरा को चार्ज जब लगाओगे तो बहुत ही छोटी सी केबल है, और आप देखोगे बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब है तो फ्लेक्सिबल, लेकिन जैसे चाहे आप इसको मोड़ सकते हैं, एक वायर के साथ आती है ताकि आपने इसको चार्जर के अंदर लगाया और इसको ऐसे मोड़ दिया, और आप देख सकते हैं कि ये कैसे चार्जिंग के टाइम पर भी आपके जो वीडियोज है उनको रिकॉर्ड कर पाएगा। तो ये काफ़ी यूनिक सा इसका फीचर लगा मेरे को स्पेशली इस केबल का। इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ, और इस थर्माकोल को हटाने के बाद में मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है एक यूजर मैनुअल। हमें इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, बिकॉज इन CCTV कैमराज को, हिडन कैमराज को जो मैनेज करना है काफ़ी मुश्किल काम है। बाकी आपको इसको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इस कैमरा को कंप्लीट चलाना, सेटअप करना, इंस्टॉल करना सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ। इसको फिलहाल मैं साइड में रख देता हूँ, और बात करते हैं हमारे मेन कैमरा की। तो यहाँ पर मैं इसको जैसे ही बाहर निकालता हूँ
तो वाह, कितना छोटा सा कैमरा है और दिखने में कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, देख पा रहे हो आप? ओ यार, ये जो है ना लेमिनेशन सा, ये जो फील है ना, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है किसी भी लेमिनेशन को हटाने की। तो वाह यार, इसका जो क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इसी के साथ हमें यहाँ पे एक बारकोड भी देखने को मिल गया है, और ये बारकोड इसीलिए दिया गया है ताकि हम इस बारकोड को स्कैन करके इस कैमरा को हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसके साथ कनेक्ट कर सके और हम इसको मैनेज कर सके। उसी के साथ पीछे की तरफ हमें यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलता है, और ये मैग्नेटिक कैमरा है, मतलब कि यहाँ पर हमें मैग्नेटिक स्पॉट देखने को मिलता है, हम जहाँ पर चाहेंगे इसको ऐसे चिपका सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है माइक्रो यूएसबी का, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक माइक्रो एसडी का सपोर्ट दिया गया है, जहाँ पर आप 32 GB तक का जो एसडी कार्ड है वो लगा सकते हैं। आई थिंक 32 GB ही है, उसके ज़्यादा नहीं है। और अगर हम साइड में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मोड का एक बटन दिया गया है, और मोड के बटन के साथ में आपको यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। चलिए इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास में शायद यस एक लाइट ब्लिंक हो चुकी है, जो कि हमारे पास ब्लू कलर की जो बार बार ब्लिंक हो रही है, और एक है हमारे पास रेड कलर की, जिसका मतलब है कि आपका कैमरा फिलहाल स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर इसको रिसेट करना चाहते हैं कभी भी, तो जो मोड बटन है उसको आप 4 से 5 सेकंड के लिए दबा के रखोगे तो आपका जो कैमरा है वो रिसेट हो जाएगा किसी दूसरे मोबाइल के साथ पेयर होने के लिए। अभी हमने काफ़ी लंबा वीडियो खींच दिया है, चलिए अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हमें इसके यूजर मैनुअल के अंदर एक बार कोड दिया गया है। सबसे पहले मैं करूँगा क्या कि मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद जो स्कैन QR कोड है इसमें जाके मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ, इस QR कोड को। और जैसे ही मैं QR कोड को स्कैन करता हूँ, तो मेरे सामने इसका जो लिंक है वो ओपन होके आ गया है, जहाँ से मैं इसके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता हूँ। और अभी मेरे को यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर जो है उसका लिंक दे दिया गया है, सिंपली मैं प्ले स्टोर के ऊपर जाकर डायरेक्ट कर दिया गया है, और HD Wi-Fi कैम प्रो जो है इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। आप चाहें तो डायरेक्टली इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, HD Wi-Fi कैम प्रो इसका नाम है। अभी यहाँ पर हमारा कैमरा और मोबाइल फ़ोन दोनों ही आपके आगे हैं। अभी आप देखेंगे हमारा जो कैमरा है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद मैं HD Wi-Fi कैम प्रो को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद में कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आपको दे देनी है। सिंपली मैंने परमिशन दे दी है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, सिंपली आपको प्लस के ऊपर टच करना है, और जो पहला ही पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपके वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, आप इसके ऊपर टच करोगे, और नीचे आपको मिलेगा गो टू कॉन्फिग्रेशन सेटिंग्स, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे एक नया ही नंबर आ गया, HTM-03-2228, और आपके पास एक नंबर है, सिंपली आप इसके ऊपर टच कर दोगे, और टच करने के बाद में आपका जो मोबाइल फोन है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद में आप यहाँ पर वापस आपके जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आ जाओगे। तो मेरे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे अपने आप से कनेक्ट हो गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था कैमरा को कनेक्ट करने के लिए, और अब हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन आ चुका है। एप्लीकेशन के अंदर नीचे की तरफ आपको कैमरा का, फोटो का, वीडियो का और इवेंट का अलग अलग 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जब हमारा कैमरा ऑनलाइन आ जाएगा उसके बाद आप करोगे क्या, सिंपली जो ऊपर स्लाइड बार दिया गया है इसके ऊपर आप टच करोगे, और आप देखोगे आपका कैमरा यहाँ पर आ चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर टच करूंगा वीडियो पे, तो हमारे कैमरे के अंदर जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा होगा वो साफ साफ यहाँ पे आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, और ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। आप देख सकते हैं ये कितना लाइव काम कर रहा है। और दोस्तों अब टाइम है इसका वीडियो क्वालिटी चेक करने का, लेकिन उससे पहले इसके जो फीचर्स हैं उनके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ हमें अलग अलग 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहाँ पर हमारी जो इमेज होगी उसको हम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, उसी के साथ में एक नाइट विजन का ऑप्शन दिया गया है। मतलब अलग अलग तरीके से फ्लिप करने के बाद आप चाहें तो नाइट विजन कैमरा को मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन दिया गया है 720p का, जहाँ पर आप टच करके जो कैमरा की क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको और भी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 1080p कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा जो कैमरा है फिलहाल 1080 पिक्सल्स के ऊपर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। अब आप चाहते हैं वीडियो को बिल्कुल पूरी स्क्रीन के अंदर देखना, तो आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, और ये आपको कंप्लीट जो स्क्रीन आपकी उसमें वीडियो दिखाना स्टार्ट कर देगा। अभी जो कैमरा है उसको मैं हाथ में ले लेता हूँ, और आप देखिए अभी ये हमारा ऊपर कैमरा रहा, और यहाँ पर मैं रहा, इसी के साथ में हमारा यहाँ पर सब कुछ जितना भी सेटअप वगैरह है कंप्लीट आप देख सकते हैं। हमारे मोबाइल के अंदर साफ साफ शो हो रहा है, ये हमारी लाइट्स लगी हुई हैं, ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, तो ये बहुत ही फास्ट और प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। चलिए इसको नीचे रख देते हैं, और इसके जो और फीचर्स हैं उनके बारे में समझते हैं। यहाँ पे जैसे आप चाहते हो ऑडियो पे टच करोगे, तो जब मैं ऑडियो पे टच कर रहा हूँ
तो मेरा मोबाइल फ़ोन जो है उसकी मैं आवाज़ तेज कर देता हूँ सबसे पहले। तो जो जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं वो मेरा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, और वो जो रिकॉर्डिंग है आवाज़ की भी, वो साफ साफ मैं मोबाइल के अंदर सुन पा रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी यूनिक फीचर इसका, अगर आप किसी जगह पर इसको ट्राई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको वापस से नॉर्मल स्क्रीन के अंदर कर लेता हूँ। नीचे आपको अलग अलग चार ऑप्शन मिलते हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है वीडियो के ऊपर टच कर दोगे, तो जैसे आप वीडियो पर टच करोगे आपके मोबाइल के अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है पर्टिकुलर उस मोमेंट की, वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा फोटो का, तो जैसे आप फोटो पर टच कर दोगे पर्टिकुलर उस टाइम का फोटो कैप्चर होके आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप ऑडियो पर टच करोगे तो जो जो मैं बोल रहा हूँगा वो आवाज़ यहाँ पे साफ साफ सुनाई देगी। उसके बाद में हमें एक फीचर और दिया गया है, वो क्या है, इंडिकेटर का। जैसे आप इंडिकेटर पर टच कर दोगे तो आप देखोगे हमारे कैमरा के अंदर जो लाइट्स है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर चुकी है, और जैसे आप इंडिकेटर पर बंद कर दोगे तो आपके कैमरा के जो लाइट्स है वो बंद हो चुकी है। इसको यूज करना बहुत ही ईजी है, और कोई बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है अच्छे तरीके से। फिलहाल इसको मैं नीचे रख देता हूँ। इसके अलावा हमें और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे हमारी वीडियो के नीचे हमें एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है पर्टिकुलर इसी कैमरा के लिए। तो जब मैं सेटिंग के ऑप्शन पर टच करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वाईफाई का, यूजर का, टाइम का, रिकॉर्ड का, रिस्टार्ट का और रिसेट का ऑप्शन दिया गया है। तो जब मैं यहाँ पे वाईफाई पर टच करूंगा तो आपके सामने आपका जो वाईफाई इस पर्टिकुलर कैमरे का वो शो कर देगा। उसके बाद बैक आओगे, यहाँ पर यूजर का ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप जबके पासवर्ड्स है उनको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो भी आप यहाँ पर एक टैप में चेक कर सकते हो कि आपका जो टोटल उसने स्पेस लिया है अभी तक वो कितना लिया है। दोस्तों घुमा फिरा के एक बात बोलूँ तो इस कैमरे को यूज करना बहुत ही ईजी है, दिखने में बहुत ही छोटा है ये, और इसका साइज भी हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट देखने को मिलता है, और आप इसको कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है। तो अगर आप किसी भी जगह पर इसको यूज करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, और ये रिव्यू देखने के बाद आपके दिमाग में इस कैमरा को लेकर क्या डाउट है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी दोस्तों ये जो स्टैंड है ना काफी यूनिक किस्म का है। आप देखिए ये चारों तरफ रोटेट हो जाता है, अगर आप इधर करना चाहेंगे इधर हो जाएगा, इधर करना चाहेंगे इधर हो जाएगा। ये 360 डिग्री के अंदर कहीं पर भी घूम जाता है, और इसी के साथ में हमें यहाँ पे इस तरफ भी और इस तरफ भी डबल साइड टेप दी गई है। ये जो है इस तरफ से आप जैसे इसको रिमूव करना चाहोगे तो ये कुछ ऐसे रिमूव हो जाएगा। तो जब आप इसको रिमूव कर दोगे तो आप इसको कहीं पर भी दीवार पे लगा सकते हो, या फिर किसी भी ऐसे सरफेस पे लगा सकते हो जो मेटल को सपोर्ट नहीं करता, जिसके अंदर मेटल नहीं है। हम इसको बंद कर देते इस तरफ से, और इधर से आपको एक प्लेट दिया गया है, और ये प्लेट कोई नॉर्मल प्लेट नहीं है। ये जो है ये मैग्नेटिक के साथ आता, आप देखेंगे ये अपने आप इसके साथ चिपक जा रहा है। ये देखिए अच्छे से चिपक जा रहा है, और ये जो है इसके पीछे आपको डबल साइड टेप दी गई है। ये आप कैमरा के अंदर लगा सकते हैं, या फिर उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपका कैमरा इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ पर चाहे आपके कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो डाटा केबल मैंने आपको दिखाई थी छोटी वाली, ये किस तरह की है, जैसे आपने इसको इसके अंदर लगा दिया, अब आप देखिए आपको किसी जगह की रिकॉर्डिंग करनी है तो ये डाटा केबल बहुत सॉलिड है। मतलब उस जगह पर आप कैमरा को ऐसे लगा के छोड़ दीजिए तो आपकी जो वीडियो है वो भी रिकॉर्ड होती रहेगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज ये चार्जिंग टाइम पर भी, मीन टाइम के अंदर भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। और आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से आप जैसे चाहे इस कैमरा का जो वायर है, इस केबल का जो वायर है उसको मोड़ सकते हैं, ये काफ़ी सॉलिड है, और उसी हिसाब से जैसा आप इसको करोगे ये आपकी वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा, और ये गोरिल्ला पोर्ट की तरह काम करता है। बाकी इसकी जो केबल है उसकी लेंथ भी हमें काफ़ी देखने को मिलती है, अराउंड 2 फीट के आसपास है, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है केबल का वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए दोस्तों हम इसका कुछ सैम्पल शॉट देख लेते हैं, ये कैसे वीडियोज को रिकॉर्ड करता है दिन के टाइम में और रात के टाइम में। तो दोस्तों हमारा जो कैमरा है वो मेरे हाथ के अंदर है, और जिस मोबाइल फ़ोन से मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ वो भी मेरे हाथ के अंदर ही है। अब इस कैमरा की जो डायरेक्शन है मैं चेंज कर रहा हूँ, और स्टूडियो के अंदर मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे जिधर जिधर इसको मैं घुमा रहा हूँ उधर उधर की जो वीडियोज है साफ साफ मेरे मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अच्छे से शो कर रहा है। अभी जो टाइम है वो दिन का है, और दिन के हिसाब से इसका जो वीडियो क्वालिटी है मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को लग रहा है। उसके बाद मैं करता क्या हूँ, अभी जो लाइट्स है मेरी जितनी की जितनी उन सबको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो कंप्लीट स्टूडियो था हमने उसकी एक एक लाइट को बंद कर दिया है, और यहाँ पे हमारा सिर्फ मोबाइल फ़ोन है जिसकी ब्राइटनेस यहाँ पे शो हो रही है। देखिए अगर मैं बिना लाइट्स के भी आगे तरफ इसका मुँह करता हूँ हमारी अलमेरा की तरफ, तो आप देखेंगे वाओ इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल अंधेरे के अंदर भी इन्फ्रारेड के साथ में वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख पा रहे होंगे ये लगभग सब कुछ अच्छे से कैप्चर कर रहा है। चलिए थोड़ा और डेमो लेते हैं, एक्चुअली आप उधर की तरफ जाना एक बार,
देखते कि अगर कोई आता है तो इसमें कैप्चर कैसा हो पाता है। तो उतना अच्छा क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन चेहरा जो है अच्छे से डिटेक्ट कर लिया है और इतने अंधेरे के अंदर भी ये बहुत प्रॉपरली काम कर पा रहा है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप ये कैमरा खरीदना ही चाहते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ मेरा गैजेट डॉट कॉम से ही खरीदना। उसका रीजन क्या है, एक तो वो खरीदने से पहले भी और खरीदने के बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आती है इस कैमरा के साथ में, तो मेरा गैजेट डॉट कॉम की एक टीम बैठी हुई है जो आपको आराम से समझाएगी कि इसको ऑपरेट कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है। और खरीदने से पहले भी कोई डाउट हो तो आप उनसे बातें कर सकते हैं, सर इसके अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपकी पहले सारी कंडीशन उनको बता सकते हैं, आपको आराम से समझाया जाएगा। ये सर्विस ई कॉमर्स के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं करवाता है। साथ ही में अमेज़न के ऊपर इसी कैमरा के नाम पर, मिनी मैग्नेटिक कैमरा के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि बेचे जा रहे हैं, लेकिन उनका जो क्वालिटी है इनके मुकाबले बहुत डाउन है। अभी मेरे पास जो प्रोडक्ट आया हुआ है सीरियसली बहुत अच्छा काम करता है। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि आप ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ मेरा गैजेट डॉट कॉम से खरीदिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी क्यों हमने इसका कंप्लीट वीडियो टेस्टिंग कराया, मतलब बिल्कुल रोशनी के अंदर भी और अंधेरे के अंदर भी। आपने देखा इसको कितने कमाल के वीडियोस को रिकॉर्ड करता है, मतलब बिल्कुल अंधेरे के अंदर भी इसका जो इंफ्रारेड सेंसर है वो काफ़ी अच्छा काम करता है। बाकी इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। और अगर मैं ओवरऑल बताना चाहूँ तो जो प्रोडक्ट है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों ये था इस मैग्नेटिक कैमरा का कंप्लीट एक अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट रिव्यू। मेरे हिसाब से वीडियो यहाँ तक देखने के बाद मैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैसे इसको इंस्टॉल करना है, क्या कैसे बेनिफिट फीड्स है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो दो ही जगह पे, सही बताऊं तो पहला है अमेजन और दूसरा है मेरा गैजेट डॉट कॉम। यहाँ पे जो मेरा गैजेट डॉट कॉम है वहाँ पर आपको थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल जाएगा और वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे ऑफर भी चलते रहते हैं और ऐसे कमाल कमाल के और भी बहुत सारे गैजेट वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर और ऐसे कमाल कमाल के और वीडियो देखते रहने के लिए टेक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय द वे हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है वो भी सिक्योरिटी कैमरा को लेके ही है, जिसके अंदर आपके एक एलईडी जो बल्ब होता है उसी में एक कैमरा इंस्टॉल है वो भी 360 डिग्री व्यू का। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाओ और वो वीडियो भी चेक कर लो। और ऐसे कमाल कमाल के और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।